आज हम बनाने जा रहे हैं दाल पकवान। दाल पकवान एक सिंपल सी रेसिपी है। अगर आपको दाल रोटी या दाल चावल खाने का मन ना हो तो इसे इजी से बना के खाया जा सकता है। और ये काफ़ी इजी है इसे बनाना। जैसे ये बेसिकली चने की दाल से बनती है, हमने इसमें मिक्स दाल ली है, मिक्स येलो दाल जो आती है, ये विदाउट तड़का लिए है क्योंकि थोड़ा हेल्दी वर्जन है। और ये पकवान भी हमने गेहूं के आटे से, यानी मैदा से नहीं, गेहूं के आटे से बनाए। तो आइए इसे बनाते हैं। दाल को 3 सीटी लेके बॉईल कर दिया है इसमें मैंने। अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। दाल पूरी बॉईल होके हमने चेंज कर दी। अब इसमें हमने 2 चम्मच गरम किया हुआ घी डाल देती हूँ। इसमें एक चीज़ है कि इसको हम छौंकन लगा के, यानी प्याज टमाटर का जो हम नॉर्मल छौंकन लगाते हैं वो लगा के भी यूज़ कर सकते हैं और बॉयल्ड भी कर सकते हैं। पकवान बनाने के लिए मैंने ये 3 ढाई कटोरी आटा लिया है। इसको मैदे में भी बना सकते हैं। मैं इसको सिंपल हमारे घर वाले आटे से बना रही हूँ, जो व्हीट फ्लोर। अब इसमें मैं पड़ेगा अजवाइन और कस्तूरी मेथी और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको बाइंड करेंगे। और बाकी टॉपिंग्स के लिए मैंने प्याज लिया है चॉप, टमाटो लिया है, लाल मिर्ची, ज़ीरा, सिक्का ज़ीरा पाउडर, काला नमक और चाट मसाला। तो आइए इसको बाइंड कर लेते हैं। थोड़ी ये हरी मिर्ची भी ली है और ये इमली की चटनी जो घर की बनी हुई है हमारी। तो अब इसको बाइंड कर लेते हैं एक बार। लाल मिर्ची एक चुटकी में पड़ेगा अजवाइन और कस्तूरी मेथी और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको बाइंड करेंगे। तो घी को मसल लेते हैं अच्छे से इसमें। तो घी डालने का ये, अगर हम इसमें ज़्यादा घी डालेंगे तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो ऑयल में टूट जाएगा। तो इसको क्वांटिटी के हिसाब से ही बनाएं। देखिए अच्छे से बाइंड हो रहे हैं। अब इसको मैं गूंथ लेती हूँ पानी डाल के। तो इसको ऐसे रोल करके रख देते हैं। ऊपर से हमने इसमें घी लगा दिया है, इसको हम ढक देते हैं। और इसमें करीब 250 ml पानी लगाएं। 20 मिनट के लिए रख देते हैं, हमने ढक के रख दिया है। तो ये थोड़ा सॉफ्ट अच्छे से हो गया है। अब इनका ये है कि जितने आपको यूज़ हो गरम गरम उधर से ही बनाते जाएं। अभी हम 4 बना लेते हैं और इनको हम प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं। जैसे पपड़ी हम बनाते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो आइए इसको बेल लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। एक चपाती जितना रोल लेना है और एक सार बेलना है, मीडियम से भी पतला और साइड से भी पतला। तो मैं ये थोड़ा सा घी लेके इसको थोड़ा जगह को चिकना कर लेती हूँ और इसको एक सार सा बेल लेते हैं। तो हम घी ले लेते हैं और इसको एक सार सा बेल लेते हैं। बेलने का ये करना है हमें कि एक सार मतलब पतला, चारों तरफ से पतला। जब ये करारा बनेगा और इसको तलते वक्त हम फूलने नहीं देंगे, इसलिए इसको फोक से हम अभी छेद करेंगे। जैसे हम मठरी बनाते हैं जस्ट लाइक इसको वैसे ही बनाना है। तो ये एकदम चारों तरफ से हमारी एक सार बेल गई है। देखिए इसकी थिकनेस ये होनी चाहिए, एकदम पतली। तो आइए इसको फ्राई करते हैं। पहले इसको फोक से पिक कर देते हैं, छेद कर देते हैं इसमें। छेद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये फूल जाएगी तो करारी नहीं होगी। ऐसे भी पलट सकते हैं और हम चिमटे की, देखिए बिल्कुल नहीं फुलाएंगे, चिमटे की सहायता से भी। अब ये देखिए लाल होने लगा है, काफ़ी अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। ये फुल फ्लेम पे पकाना है। एक बार और पलट लेते हैं।
और रेडी कर लेते हैं ऐसे। तो एक पकवान से हम इसे बनाते हैं, हमने बाकी चार पकवान बनाए थे, एक से हम बना लेते हैं इसे। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। तो हम इसे या तो ऐसे तोड़ के बना सकते हैं या हम ऐसे भी बना सकते हैं, सिंपल। इस तरह सजा लेते हैं। दाल में हमने घी डाला है, दाल डाल दी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं प्याज डाल देती हूँ। कुछ भी आप टॉपिंग डाल सकते हैं, इसमें अनार भी डाल सकते हैं हम, ऊपर सेब डाल सकते हैं, नमकीन, टमाटर। ये मेरा दही है, दही हमने ये ऑप्शनल लिया है, आपको इच्छा हो तो डाल सकते हैं ज़रूर से, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब इसमें हम सारे तरह के मसाले डाल रहे हैं, जैसे सिक्का ज़ीरा, लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, चुटकी भर डाल रहे हैं क्योंकि एक पकवान बना रहे हैं, काला नमक, थोड़ी सी हरी मिर्ची और लास्ट में हम डालें इमली की चटनी। थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़ी सी नमकीन, थोड़ी सी भुजिया, ये ऑप्शनल है।